ਦਾ ਜਿੱਸ ਸੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਬੁੜੀ ਬੁੜੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਔਰ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੇ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਸਾਥ ਮੇ ਬੈਠੀ ਹੈ अब ये मत बोल देना कि मिली है मेरी सबसे छोटी बेटी से। तेरी गल सुन अपने हेयर करा ला बस कर यार बहुत ज्यादा कंटेंट ना लिया थोड़ा बहुत मैंने भी कंटेंट ले लिया घर वाली कहती कि फिर अपने गाने कितने साल हो गए मेरे 16 साल लगता नहीं कहती इधर आती तो 8 साल हो गए मैं कहा मैंने पूछना मैंने 32 साल लगन दे यार चलने। सो गुड मॉर्निंग गाइस मैं सेट पे पहुंच चुका हूं टाइम पे पहुंचा हूं बट मुझे पता लग रहा है कि शायद मेरा जो सीन है वो नाइट का है भाई पता नहीं कुछ ज़्यादा ही टाइम पे पहुंच गया हूँ ज़्यादा ही जल्दी कॉल टाइम आ गया तो चलो अभी घर भी क्या जाना ओ मैचिंग मैचिंग मैंने अभी नोट किया तो अभी हम सोचा क्या वापस जाऊँगा तो अभी इधर ही चिल करते हैं बातें शातें करते हैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ चलो मिलते हैं आगे व्लॉग में ले जाता आज मैं प्रूफ ले रहा हूँ अगर आज नहीं अच्छा हुआ मैं तो अरे पाजी आज मुझे बोलोगे कि भाई क्या ही बना दिया है ये बोलूंगा भाई क्या से क्या ही मत बना रहे वो और नहीं बनाऊंगा हाँ फिर वही बोल रहा वो तो बना देना ठीक है तो so, मैं व्लॉग शुरू कर दिया किसी बंदे ने मेरे को अच्छा आइडिया दे दिया व्लॉग क्यों नहीं बना रहा और कोई बंदा कह रहा है मेरे को भी करना है शुरू चल मैं भी करी पता क्या यार जस्वा कंटेंट मैं नहीं दे रहा ठीक है वो सीन था मैं तो कुछ कहा ही नहीं क्या हो गया कुछ बोल रहा था तू भी वो दोनों व्लॉग बना रही है वो अपना व्लॉग बना रही है मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ अच्छा ऐसे करेगा अब तू ठीक है तो बनाएंगे फिर सारा नहीं 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 वो अपना व्लॉग बना रहे हैं मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ हाँ तू मत बना अच्छा नहीं लग रहा नहीं बनाएंगे मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ ना अच्छा तो मैं लग ही रहा हूँ बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है नहीं ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा यार येलो कलर तो चलो वो अपना व्लॉग बना रहे हैं मैं अपना मंदिर तेरी गल सुन अपने हेयर करा ला बस कर यार बहुत ज्यादा कंटेंट ना लिया थोड़ा बहुत मैंने भी कंटेंट ले लिया हाँ ना इतना बड़ा गेंदा ना मैं भी बहुत गेंदा अच्छा चलो डेढ़ मिनट हो गया जो तो मैं ज्यादा ज्यादा कर ला ना दो तीन मिनट मैं पता कि ओहो पांच मिनट हो गए बंद कर दो बंद कर दो नहीं ये ब्लॉग तो थोड़ा सा बड़ा भी बेचारे रगड़े जाएंगे अभी तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ ये पगड़ी बांधी है एक सीन हो चुका है एक सीन करके आ गया हूँ अभी नेक्स्ट सीन की बारी है अभी भी फतेह समझा रहे हैं भाई छोड़ दे मत कर शादी देखते हैं मानता है कि नहीं ना मैं तो तैयार हो चुका हूँ मैं अपनी बुढ़ी दिखाता हूँ हेलो गाइस मेरा टिक कर हेलो गाइस करो गल गल करो हूँ कौन कहना मिलिए मिलिए मेरा टिक्का हिल रहा है बार बार साइल खराब हो जाता है मिलिए चिंटू से है मिलिए चिंटू से तो मेरी मम्मी लग रही है ये तो बुढ़ी बुढ़ी कहना मैंने तो फिर और मिलिए मेरी बेटी से जो एकदम साथ में बैठी है अब ये मत बोल देना कि मिलिए मेरी सबसे छोटी बेटी से ये सबसे छोटी बेटी कि मिलिए मेरे बच्चों से और आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए और उदाहरण को ढेर सारा प्यार दीजिए और बताइए मेरा नया हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है फ्रेंड्स तो मेरी पगड़ी बताना कैसे लग रही क्योंकि मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही यार अच्छी लग रही है प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि इसकी पगड़ी अच्छी लग रही है मेरा झुमका जेड़ा है ना जो हिलता है ना मच्छर की आवाज काट दा मैं कितनी बार उड़ा चुकी हूं मैंने रियलाइज होया कि ये तो झुमके रे हिलने की आवाज है क्या कर रही है जू 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 हां ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੱਛਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਜੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭੀ ਸਿੱਕਲਾ ਸੀਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਨ ਬੈਠੇ ਲੇ ਹੈ ਬਤਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਾ ਤੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਦਾਦੂ ਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਫਤਿਹ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਰਤੀ ਫਤਿਹ ਕੀ पते के यार ही ऐसे हैं तो क्या करें नहीं हमने तो बोला ही नहीं, 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 नहीं उसका दोस्त जो है ना दूसरा वो बहुत निकम्मा बंदा है उसी की वजह से उसकी बार बार शादियाँ हो रही हैं कभी कोई कभी कोई पंगा डाल रहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा ब्लॉग की खातर शादियाँ करवाता रहता है हमें उस
उसके ब्लॉग को चैलेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है दादू, ये देखो इतना कुछ तामझाम लगा, ये आपके बेटे की वजह से है। मेरे बेटे की, मेरा पोता है वो। हाँ सॉरी पोता, तो मेरे पे आते हैं उसके काम गई है, उससे अपने दोस्त से ज़्यादा गई। ये जो बुजो है ना, बुजो बहुत शर्म है, मेरी बदनामी करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ले बना दो यार। ठीक है तेरे लिए बन गया ना तेरा, तेरे को मिल जाएगा, एयर ड्रॉप कर दूंगा। ये मेरा बन रहा है फतेजो, फिर फतेजो यहाँ होनी चाहिए ना। कहाँ बन रहा है? मजा ही फिर लोग कहते हैं फतेजो कट्ठे होने चाहिए, अलग अलग जो विखाए फिर गलत काम हो जाता। अलग भी दिखा दें वैसे, वो तो मैं दिखा सकता, कुछ भी हो सकता इतने। मेरा भरा सूली चढ़ रहा है मेरे खातिर, मैं बहुत रोना, मैं सच्चे रोना आ रहा है, अजीब जहा लग रहा है ना। ठीक है मड़ा हो गया, तू भी अपनी मम्मी पे गई है, तू भी रोती रहती है, जब भी देखो रोती रहती है, ये मम्मी तो रोती रहती है, ये भी रोती रहती है ना। हाँ ससुर जी, मम्मी मम्मी जी रोती रहती है, मोबाइल मेरे इनका इनका मोबाइल मेरे पास रहता है और मांगने के लिए रोती रहती है ना। और आज हमारे डैड जी की हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी, वेल्डिंग एनिवर्सरी था ना। मैं वेल्ड हुए कितने साल हो गए? 16 इयर्स। 16 साल वेल्ड रहे, पानी पुनिया जंग तो नहीं कहती। हां माइंड फ्रेश कर रहा हूं। घर वाली कहती कि तेरा अपने गाने कितने साल हो गए? मेरे 16 साल लगता नहीं, कहती इधर आते 8 साल हो गए। मैं कहा मेनू पूछ ना, मेनू 32 साल लगन दे यार। और एक जो लड़की है जो मेरे से छुप रही है, ये देख मैं दिखा दी यार, इसने इतना तंग किया हुआ है ना मेरे को, क्या ही बताऊँ मैं। रील बना दो। ये थोड़ी बात होती है, ये मेरा फ़ोन गिर गया ना, मैं मुक्की मारूंगी तेरे मुंह, नसा तोड़ देने मतलब। तो ये है मानसी जो जैस्मिन की फ्रेंड बनी, यार तू मेरे ब्लॉग में नहीं ना आई कभी। चलो ये भी आ गई, लवनीत वो चली गई और ये आ गई। ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो अपनी रील बनाओ और तुरते फिरते नजर आओ, मेरे को तंग नहीं करना। ठीक है मैं अभी वो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन कर रहा हूँ खड़े होकर, धूप ले, हाँ सन बाथ ले रहा हूँ, अंग्रेजा वाले काम। बाय। फाइनली सती जी जय माता दी हो गए, जय माता दी। और ये है फुल सेटअप, और है ये बुड्ढी जो तैयार बड़ी होके आई है। सो गाइज कैसा लगा आज का व्लॉग? अभी ये हाफ पार्ट है, अगला पार्ट अगले व्लॉग में दिखाता हूँ। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारा प्यार दो मेरे व्लॉग्स को। ठीक है तो अभी दूसरे विरसा, जो लाइफ ऑफ विरसा व्लॉग था उसका भी थोड़ा पंगा सा है, तो हो सकता है शायद मैं इस पर ही वीडियोज़ डालूँ। तो ऐसे प्यार देते रहिए, ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।